communities are hugely diverse. You know, we've got different languages and different backgrounds and different ethnicities and different faiths. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के पास देश के लिए विजन है। मोदी ब्यूरोक्रेसी को मॉडर्न बना रहे हैं, उन्हें पसंद करता हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकता में विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि विकास के लिए प्रगति बहुत जरूरी है। हालांकि ओबामा ने धर्म या संप्रदाय के आधार पर देश को नहीं बांटने की नसीहत भी दी। ओबामा ने कहा इससे लोग एक दूसरे के बीच अंतर देखने लगते हैं और समानताएं खत्म हो जाती हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा भारत की मेजॉरिटी कम्युनिटी और सरकार को मिलकर माइनॉरिटीज को खासकर मुस्लिमों को आगे बढ़ाना होगा ताकि वो भारत के हिस्से के रूप में पहचान बना सकें। ओबामा ने कहा कि इस मुद्दे पर उन्होंने पीएम मोदी से व्यक्तिगत तौर पर भी बात की थी, लेकिन जब ओबामा से पूछा गया कि रिलीजियस टॉलरेंस के मुद्दे पर उनके मैसेज को लेकर पीएम मोदी की क्या प्रतिक्रिया रहती थी, तो ओबामा ने कहा कि वो अपनी प्राइवेट बातचीत का खुलासा नहीं करेंगे। वहीं ओबामा ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अच्छा दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि मनमोहन ने इंडियन इकोनॉमी के मॉडर्नाइजेशन की नींव रखी है। कार्यक्रम में अपने संबोधन की शुरुआत में ओबामा ने कहा कि दिल्ली वापस लौटना शानदार है। बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति दो बार भारत का दौरा करना उनके लिए गर्व की बात है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका और भारत विविधता से पहचाने जाते हैं, दोनों देशों के पास काफी कुछ साझा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच कई मूल्यों पर साझेदारी है, जैसे कि विविधता और सहिष्णुता, एक उदारवादी बाजार और व्यक्तिगत अधिकार। ओबामा ने कहा कि दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र की साझेदारी निर्णायक है। उन्होंने कहा कि जो लोग डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।